वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश कोडे, करियर एंड बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम पाड़ा बिजनेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सही पढ़ा आपने थंबनेल पे, फर्नीचर बिजनेस कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो पूरा देखे आपको सब स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो पूरा देखे और इस चैनल को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को जिसका फर्नीचर का बिजनेस है उसके शेयर करें। तो पहली स्ट्रैटेजी है स्मार्ट फर्नीचर। आजकल लोग फ्लैट सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको शिफ्ट होने के कारण स्पेस की भी कमी आ रही है फ्लैट में। तो आपको ऐसा फर्नीचर बनाना है जिसकी स्पेस कम हो और लाइट वेट हो और हर जगह से शिफ्ट भी आसानी से कर सके। ऐसा फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर आपको अपने शोरूम में रखना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते जमाने के हिसाब से आपको बिजनेस को बदलो, तो आपको शोरूम में स्मार्ट फर्नीचर लगने पड़ेंगे। मार्केट के ट्रेंड अनुसार आपको अपने दुकान में फर्नीचर रखना है। फॉर एग्जांपल टेबल्स, बेड्स, चेयर्स आपको मार्केट के अनुसार चेंज करने हैं और अपने बिजनेस पे स्मार्ट फर्नीचर रखना है। दूसरा है मेक योरसेल्फ ब्रांड। अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएं? पहले आपको अपने शोरूम का डिस्प्ले, जो भी लोग आते हैं पहले जो डिस्प्ले होता है वो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। और जो भी आपके शोरूम में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको अपने आपके ब्रांड का टी शर्ट या कैप्स वगैरह वो आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी कस्टमर आएगा वो लगेगा ये ब्रांडेड शोरूम में आया हूँ, अच्छे शोरूम में आया हूँ। और डिलीवरी सिस्टम, जो भी आप फर्नीचर बेचते हो उसकी डिलीवरी सिस्टम इन हाउस करिए, क्योंकि लोग फर्नीचर को लेके अलग पैसा देना नहीं चाहते। इसलिए आप डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड कीजिए अपने बिल में, ठीक है। दूसरा है आपको बिल सिस्टम भी अच्छी करनी होगी, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होगा कैश जाओ बाहर मार्केट में कैश लाओ, एटीएम से कैश लाओ, आपको सब देना पड़ेगा कस्टमर को। मतलब आपको कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट ये आपको रखना पड़ेगा अपने शोरूम में। और ये अफोर्डेबल आता है, इसको कोई महंगा खर्चा नहीं है, आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। और आपको फर्नीचर पे प्राइस टैग भी लगाना है, मतलब एम्प्लॉयज भी जो भी कस्टमर को प्राइस बता दे वो प्राइस फिक्स होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच। तो आपको प्राइस टैग और बारकोड उधर उस फर्नीचर को आपको लगाना है। तीसरा है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग प्रोडक्ट को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है। वायरल मार्केटिंग के लिए आप यूनिक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको चेयर बेचना है, तो आप अपने सोसाइटी में या जो भी अलग अलग सोसाइटी, बड़ी बड़ी छोटी मोटी सोसाइटी हो, उधर आप गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि मेरा फर्नीचर का नाम है गणेश फर्नीचर हाउस, तो आप उधर बोर्ड लगा सकते हो कि गणेश फर्नीचर हाउस ऑर्गेनाइज गेम। तो अलग अलग कुर्ची का गेम आता है ना, वो महाराष्ट्र में उससे संगीत कुर्ची बोलते हैं, तो वो गेम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, और उस कुर्सी पे आपका ब्रांड लोगो दोनों होना चाहिए। इससे क्या होगा, हर लोगों को गेम खेलना पसंद है, सबको गेम खेलना पसंद है। उससे क्या होगा, लोग अपने फोटो निकालेंगे वहाँ गेम खेलते हुए, वीडियो निकालेंगे, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा आपका ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ेगा। अलग अलग सोशल मीडिया पे जाएंगे वो, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपके दुकान पर कस्टमर का आना बढ़ेगा। तो आपको ये गेम आप यूज कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, वायरल होगा वो मार्केटिंग, वो उसे बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। चौथा है डबल द रेवेन्यू। हमारा रेवेन्यू डबल कैसे करें? रेवेन्यू डबल करने से पहले आपको देखना है, समझना है कि आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो
वो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि चेयर्स, तो चेयर्स कहाँ पे यूज़ होता है? चेयर्स इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट ऑफिसर्स, इसमें चेयर्स ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है टेबल्स, टेबल्स कहाँ यूज होता है? होटल्स, 5 स्टार होटल, 3 स्टार, ये छोटे छोटे स्नैक सेंटर में भी टेबल ज़्यादा यूज होते हैं। तो आपको आसपास के जो भी होटल से, शोरूम से या कॉरपोरेट ऑफिस, उनसे आप मिलकर आप एग्रीमेंट बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, सर आप अगर ये चेयर या टेबल बाहर से खरीदते हो तो आपको महंगा पड़ता है, तो हमारे यहाँ से आप यूज कर सक हमारे यहाँ से आप खरीदेंगे देखिए तो आपको अच्छे प्राइस में और अच्छे सर्विस में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी आपके आसपास के कॉरपोरेट ऑफिस के लोग हैं वो आपसे ही वो चेयर्स या टेबल जो भी चीज़ है वो आप ले सकते हैं। पांचवा है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर आपने बिजनेस तक बुलाने के लिए आपको वायरल मार्केटिंग हो तो हो गया। पांचवा है अगर आप और भी सोशल मीडिया पे जाना चाहते हो तो आपको कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको 3 मिनट का रील्स, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो रील्स होते हैं वो आप 3 मिनट का हर प्रोडक्ट का बना सकते हो। और ये रील्स पोस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, ये रील्स 6 से 9 बजे के बीच सुबह और रात को 6 से 9 बजे के बीच आपको पोस्ट करना है। इससे क्या होता है, कस्टमर और ग्राहक इस टाइम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आपको ये रील्स आप उस टाइम अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये रील्स अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं, अपने दुकान के ना अकाउंट से आपको बनाना है, मतलब गणेश फर्नीचर हाउस आपका सोशल मीडिया अकाउंट, उससे आप वो पोस्ट कर सकते हैं, उधर आप पोस्ट कर सकते हैं वीडियो बनाकर। उससे क्या होगा, सोशल मीडिया का वायरल हो जाएगा, ये दुकान का है, लोग पता करेंगे, आपका एड्रेस निकालेंगे सोशल मीडिया पर और आपके पास वो बिजनेस खरीदने के लिए आएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी आप ये बिजनेस कर रहा है, फर्नीचर बिजनेस कर रहा है, उससे ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।